हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, ऑफिस असिस्टेंट का पेपर सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया 12 और 13 को, और पेपर जो 19 को जा रहे हैं उनके लिए बताएं कि पेपर बहुत आसान आ रहा है। और 12 और 13 को पेपर जो हुआ है, पैटर्न एक ही रहा है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज था ऑफिसर लेवल से अगर बात करें, और लेकिन पैटर्न चेंज ज़रूर था, लेकिन ईजी था, ईजी था। काफ़ी अटैम्प्ट लोगों ने मारा है और काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट करके आ रहे हैं एक्यूरेसी के साथ, और हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर पेपर आसान आ रहा है और लोग अटेम्प्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाली है। इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे 12 और 13 को, क्या क्या हुआ है और पेपर किस लेवल का आया है, पेपर में क्या क्या आया है, और कट ऑफ देखेंगे। कट ऑफ के लिए बहुत रिक्वेस्ट आई है, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं और कट ऑफ लोगों ने बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितना होगा, तो हम यहाँ कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। तो कट ऑफ डिस्कस करेंगे, एनालिसिस देखेंगे 13 के पेपर के पूरे एनालिसिस, कहाँ से कितना कितना आया था, और उससे अगर आप 19 को जा रहे हैं तो आपको क्या यहाँ से सीख मिलती है। ठीक है, उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब गाई एजुकेशन, और इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें अच्छा लगेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे और देखेंगे पहले एनालिसिस। चलिए बात करेंगे पहले रीजनिंग की। रीजनिंग सेशन इजी रहा है, इजी टू मॉडरेट रहा है, लेकिन अगर इजी की बात करें तो लगभग 70% क्वेश्चन इजी थे, मॉडरेट कम थे लेकिन थे मॉडरेट। मॉडरेट लेवल की बात करें तो तकरीबन 30% पेपर मॉडरेट था, अगर हम रीजनिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, पैटर्न सेम था दोनों दिन, तीनों शिफ्ट का पैटर्न जो था वो सेम था। पजल आई थी दो, लीनियर और सर्कुलर, और ये पजल जो थी ये थी इजी। इजी इन सेंस में कि ज़्यादा घुमाया नहीं था उन्होंने, घुमाने का सेक्शन मतलब है कि सर्कुलर में जो बैठाए थे उन्होंने एक साइड ही मुँह करके बैठाए थे, दो साइड मुँह करके नहीं बैठाए थे। लीनियर में भी यही था, अगर एक तरफ बैठे हैं तो एक ही तरफ मुँह करके बैठे हैं, तो अगर इस तरह बैठे हैं तो पजल हो जाती है इजी, और पजल इजी थी। 10 नंबर की इनक्वालिटीज बहुत इजी थी, ये भी इजी आया था, और यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा अटेंड किया था। ये जैसे मैंने बताया है, ये थोड़ा सा मॉडरेट बन जाता है, मॉडरेट इन सेंस में क्योंकि पढ़ने के सेंस में, ठीक है। लेन डायरेक्शन ऑफ ब्लड रिलेशन तो थोड़े से लेंदी लग रहे थे, क्वेश्चन थे वो इजी, थोड़े लेंदी लग रहे थे पढ़ने के सेंस में, इसलिए मॉडरेट हो जाते हैं। ये पार्ट मॉडरेट था, ये पार्ट मॉडरेट था क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में एक नई आपको नया तरकीब लगानी पड़ रही थी, तो वो थोड़ा सा टाइम ले रहा था, टाइम टेकिंग था ये, टाइम टेकिंग जरूर था, ये टाइम टेकिंग जरूर था, लेकिन क्या जो लेवल था क्वेश्चन का इजी लेवल का था, ठीक है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था लेकिन टाइम टेकिंग था, इसलिए थोड़ा सा इसमें इसको इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। बाकी डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन से मिक्स क्वेश्चन थे, मिसलिनियस में कह सकते हैं आप। 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, ये भी इजी टू मॉडरेट थे, सारे इजी नहीं थे, कुछ इजी थे और कुछ मॉडरेट थे, तो इजी टू मॉडरेट हो जाता है। ओवरऑल रीजनिंग की बात कर लें तो पेपर जो था वो इजी ज़्यादा था, इजी ज़्यादा था, इसको हम इजी कहेंगे क्योंकि अटैम्प्ट जो लोगों ने मारे हैं काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, तो इसलिए अटेम्प्ट हो पाए हैं क्योंकि पेपर इजी था और आसानी से लोग कर ले रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पजल से लोगों को डिफिकल्टी नहीं आई है, लोगों की पजल लोगों ने सॉल्व की है, और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहा है, क्योंकि हम लोग करते क्या है, प्री में क्या करते थे, पजल ही छोड़ के आते थे, लेकिन इस बार पजल्स इजी आने की वजह से लोगों ने पजल सॉल्व किया है और अच्छा खासा यहाँ से एडवांटेज मिला है, जो एडवांटेज ऐड होके अच्छा खासा अटेम्प्ट बना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ सेक्शन में भी कुछ कहने को नहीं है, अगर ओवरऑल की बात कर लें, अगर हम ओवरऑल की बात करें तो तकरीबन इजी क्वेश्चन जो आप कहेंगे तो 60% थे, और मॉडरेट की बात कर लें तो मॉडरेट बचता है 40%, 40% पेपर मैथ का मॉडरेट था, तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट के आसपास था। जहां सीरीज में मॉडरेट 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इजी थे और 2 क्वेश्चन मॉडरेट थे, हालांकि ये मैंने पहले बताया कि ऐसा आप करने लगे, सिंप्लीफिकेशन 10 नंबर का इजी, और यहीं से कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट का बन गया है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन वो 10 नंबर का सही कर गया है। अप्रोक्सीमेशन भी इजी था, और यहाँ से अच्छा खासा कॉन्फिडेंस, इन दोनों से अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लोगों का गेन हुआ है। डीआई जो थी वो इजी टू मॉडरेट थी,
इजी टू मॉडरेट थी। इजी टू मॉडरेट बोले तो कहने का मतलब ये है कि अगर 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इजी थे और 3 क्वेश्चन मॉडरेट थे, ऐसा था। अब मॉडरेट का ये मतलब ये नहीं है कि टफ, मॉडरेट का ये मतलब ये नहीं होता कि टफ। देखिए, इजी मतलब इजी होता है, डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट होता है। मॉडरेट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कमांड है, अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं, अगर आपको ट्रिक पता है तो आप कर लोगे। मॉडरेट मतलब थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है, आपको घुमाया है। थोड़ा सा घुमाने का मतलब है थोड़ा सा लेंदी है, क्वेश्चन वही है लेंदी है। पढ़ने के अगर लहजे से देखें तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन है वो आसान, इसलिए आपको थोड़ा सा मॉडरेट लगता है, थोड़ा सा टफ लगने लगता है। बात इसकी कर लें तो इसमें भी इजी इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट है। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान, जैसे एवरेज के क्वेश्चन आसान थे, रेशियो क्वेश्चन आसान थे, रेशियो प्रोपोर्शन के, और हो गया SI CI के क्वेश्चन आसान थे। बाकी पार्टनरशिप के थोड़ा सा लेंदी थे, पढ़ने वाले थे। देखिए मिक्स था, इसको अगर इसकी बात करें तो ये मिक्स था, मिक्स था। इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट में ये मिक्स था। तो लेकिन क्वेश्चन जो आसान थे बच्चों ने किए हैं, अच्छा खासा अटैम्प्ट यहाँ से भी स्टूडेंट्स ने किया है। तो अटैम्प्ट अच्छा खासा अटैम्प्ट, क्योंकि मैंने जो देखा है, मैंने जो सर्वे किया है उससे ही पता चल रहा है कि हर कोई अच्छा खासा अटैम्प्ट, मिनिमम तो 40 क्वेश्चंस, मिनिमम बता रहा हूँ 40 क्वेश्चन हर कोई करके ही आया है, ठीक है। और कट ऑफ कहीं ना कहीं बहुत ऊपर जाने वाली है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे पास क्या है वो देखते हैं। चलिए देखेंगे कट ऑफ, इसको लेके बहुत क्वेश्चन हमारे पास कि कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए कट ऑफ हम बताने वाले हैं यहाँ पे, और सही बताऊँ तो मैं कट ऑफ जो IBPS PO आया है, हम लोग 40 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 37 से 40 के आसपास आया। कितना है? 47। वो भी PO लेवल के पेपर में कट ऑफ 47 गया है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट कितना अच्छा गेन कर रहे हैं, कितना ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ने वाले आ रहे हैं, कितना अच्छा वो गेन करके। आपका पेपर ख़राब होता है, आपको टफ लगता है, लेकिन और स्टूडेंट तो करके आ रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ इतने ऊपर जाने का यही मतलब निकलता है, और कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। और स्टूडेंट कर रहा है, आपके लिए टफ था, लेकिन 47 कट ऑफ कैसे चला गया, सोचने वाली बात है, ठीक है। 47 कट ऑफ काफ़ी हाई होती है एज एक्सपेक्टेड। लास्ट ईयर 37 थी IBPS PO की कट ऑफ, लास्ट ईयर जो प्री की थी वो 37 थी, OBC की 37 थी, इस बार 47 है, 10 नंबर बढ़ा है। वो पेपर टफ था, टफ 47 है, वो पेपर टफ था, टफ 47 है। सोचिए ये तो इजी लेवल का पेपर आया है, सोचिए इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। डर लग रहा है? डरिए नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, पहले मेरे पास क्या है, देखिए कट ऑफ कहाँ से कैसे कैलकुलेट की जाती है, मैं बताता हूँ मेथड कैसे कट ऑफ कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं, लेवल, पेपर का लेवल क्या है, इजी है, मॉडरेट है, टफ है, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी, ठीक है, प्रीवियस ईयर का रिक्रूटमेंट स्टेटस क्या था, प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था। वो जो लास्ट ईयर हुआ है, जो लास्ट ईयर हुआ है, जो लास्ट ईयर हुआ है उसको एनालिसिस करके इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी पोस्टें हैं, पिछली बार कितनी थी, इस बार कितनी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हो रहे हैं, कितने कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, कंपटीशन लेवल ऑफ द एग्जाम, कंपटीशन लेवल क्या है। देखिए ये मतलब नहीं होता कि पहले पहले मान ली 2015 में 1 लाख लोग थे, ठीक है, और 2016 में तकरीबन 50 लाख हो गए, इसका ये मतलब नहीं कि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, इसका ये मतलब नहीं है। लाख स्टूडेंट थे, अब 2 लाख स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन में, ये समझ के चलिए। 48 लाख कंपटीशन में नहीं है, वो फॉर्म भर रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं, जो आपने तैयारी जो तैयारी करने वाले हैं वो 1 से 2 लाख हो गए, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हम लोग मद्देनजर रख के कट ऑफ बनती है। लेवल पेपर का बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो ये है, और ये है, और ये है, ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें हैं, एग्जामिनेशन का लेवल कैसा था, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी, और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कैंडिडेट कितने अपीयर होते हैं। ये हम ये बिल्कुल कभी मत सोचिए कैंडिडेट ज़्यादा है तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, ये कभी मत सोचिए। पोस्ट अगर कम है तो कट ऑफ ऊपर जा सकती है, ठीक है। कट ऑफ लास्ट ईयर बहुत हाई था, इस ईयर लास्ट ईयर हाई था तो पेपर का लेवल क्या था,
ये सोचने लगे अगर लास्ट ईयर कट ऑफ लो गया था तो पेपर का लेवल क्या था, ठीक है कल है, ठीक है तो कट ऑफ कितने गए थे, पेपर का लेवल क्या था, इस बार कट ऑफ कितनी है, पेपर का लेवल क्या है, पोस्ट कितनी है, कट ऑफ क्या जा सकती है, ये तीन चीज़ अगर मैं बात करूँ, तीन पोस्ट हो गई, सॉरी वैकेंसी नहीं, पोस्ट वैकेंसी या पोस्ट जो भी कहना चाहे, और पेपर का लेवल, और तीसरी चीज़ होती है कट ऑफ। कट ऑफ कौन सी, लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर की कट ऑफ। ये तीन चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कट ऑफ को, अगर आपको गेस करना है, ठीक है तो ऐसे निकालते हैं कट ऑफ। ये चीज़ें आप चीज़ें तीनों और नोटिस करें और तीनों को समावेश लगा के आंकड़े निकालें तो कुछ निकल के आता है, कुछ निकल के क्या आता है उसे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस बार एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट कितने हैं। देखिए अटेम्प्ट रीजनिंग में जो आया है वो तकरीबन ये आया है 25 के आसपास, न्यूमेरिकल एबिलिटी ज़्यादा है 27 के आसपास अप्रोक्सी, ठीक है। तो कुल मिला के ओवरऑल अटेम्प्ट जो आ रहा है वो 55 के आसपास, 50 से 55 के आसपास अटेम्प्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा है। देखिए यहाँ अटेम्प्ट ही लगभग कितना है, हाँ 60 से 70% के बीच अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट की बात करें तो 60 से 70% के बीच इर्द गिर्द घूम रही है कैंडिडेट की किस्मत, ठीक है। अटेम्प्ट ही लोगों ने हाई मार दिया है, काफ़ी अच्छा अच्छा खासा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। और एक्यूरेसी की बात करें, अगर एक्यूरेसी की बात करें तो 80 से 90% के बीच एक्यूरेसी भी बन रही है इस कैंडिडेट की, ये सर्वे कह रहा है। ये लोगों से बात करने के बाद, नेट से इकट्ठा करने के बाद, इतना कुछ मेरे पास जो आया है सब कुछ मिला के मेरे पास ये बन रहा है कि 23 से 27 तो एवरेज है रीजनिंग में लोग अटेंड करके आए हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 24 से 29 तक अटेंड करके आए हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो 47 से 56 के बीच में, 47 से 56 के बीच में ओवरऑल एवरेज अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट लोग 75 भी करके आए हैं, 77 78 68। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके, जिन्होंने कहा सर मैंने 78 अटेंड किए हैं, मैंने 72 अटेंड किए हैं, सर मैंने 82 सॉरी 82 कहाँ कह रहे हैं, 72 अटेंड किए हैं, 68 अटेंड किए हैं। तो इतने ज़्यादा अटेम्प्ट मारे हैं लोगों ने, कट ऑफ हाई जाने वाला है, बात मानिए कट ऑफ हाई जाने वाला है। जब पीओ लेवल का पेपर टफ आने के बाद 47 कट ऑफ चली गई अराउंड 50% के आसपास, ये पेपर इजी है तो 60% के आसपास कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़े, कट ऑफ देख लेते हैं। चलिए कट ऑफ देखेंगे, पहले मैं बता दूँ कट ऑफ को कभी भी फाइनल्स नहीं मानेंगे, एक्सपेक्टेड है जो आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से हमने एक्सपेक्ट किया है। क्वांट की बात कर लें तो जनरल का 8 से 10 के आसपास, ओबीसी का 6 से 8, एसटी का 6 से 8 और एससी का 6 से 8 तो मिनिमम रहेगा, 8 के आसपास मैक्सिमम मान के चलिए, मिनिमम नहीं। चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो 10 से 12, 7 से 9, 7 से 9, 7 से 9, 10 12 मैक्सिमम ही मान के चलिए क्योंकि अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा है, एक्यूरेसी स्टूडेंट की काफ़ी अच्छी है, ठीक है। जनरल की बात कर लें तो 80 में से 42 से 47 के आसपास, अराउंड 50 मान लीजिए के आसपास जाने वाली है। ओबीसी की बात कर लें 37 से 42, आखिरी तकरीबन 45 के आसपास जाने वाली है। एससी की बात करें 32 37, तकरीबन 40 के आसपास तो जाएगी। एसटी की बात कर लें 27 से 32, तकरीबन 35 के आसपास जाने की। इसमें हम प्लस माइनस 3 कर रहे हैं उस हिसाब से हम आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है। 50 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं जनरल कैंडिडेट हैं तो आप मेंस की तैयारी करिए। ओबीसी की तरह अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं 45 के आसपास बना रहे हैं तो मेंस की तैयारी करिए। एससी कैंडिडेट हैं 40 के आसपास आपकी कट ऑफ बन रही है अगर, तो मेंस के लिए तैयारी है। एसटी 35 के आसपास आप प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस की, ठीक है। अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें, पीडब्ल्यूडी और या एक्स सर्विस मैन की बात कर लें तो इनकी कट ऑफ जो रहेगी वो कहीं ना कहीं 28 से 35 के आसपास घूमने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पीडब्ल्यू एक्स सर्विस मैन की बात कर ले तो 28 से 35 के आसपास कट ऑफ रहने की गुंजाइश है, आशंका है, प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये कट ऑफ है,
कट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, तो कुछ ये कट ऑफ हम तकरीबन जनरल जो कैंडिडेट है वो 60% तो मान के चलें कट ऑफ जाएगी, ओबीसी जो है ओबीसी कैंडिडेट है वो 55% के आसपास मान के चलें, और जो एससी कैंडिडेट है वो 50% मान के चलें, एसटी कैंडिडेट है वो 45 से 40% का मान के चलें कि कट ऑफ जाएगी, जो पीडब्ल्यूडी है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्स सर्विस मैन है वो मान के चलें उनकी 35 से 40% के आसपास उनकी भी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, चलिए ये ओवरऑल पेपर का एनालिसिस था जो पेपर आया है। दो तीन चीज़ें निकल के आती हैं, पेपर के अटेम्प्ट्स बहुत हाई हो रहे हैं, पेपर बहुत इजी था इसलिए अटेम्प्ट बहुत हाई जा रहा है, और कट ऑफ कहीं ना कहीं 50 से 60% के आसपास जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, 50% तो नहीं 60% जनरल कैंडिडेट 60% मान के चले, ओबीसी 55% मान चले, और जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं वो 40 से 50% मान के चले, एक्स सर्विस मैन और पीडब्ल्यूडी के लोग हैं वो 40% के आसपास अपना कट ऑफ मान के चले कितना हो सकता है। देखिए ओवरऑल मैं इसको वीडियो को वाइंड अप करने से पहले ये बता दूँ, सारा कुछ पता किस पर डिपेंड करता है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है ऑफिसर स्केल 1 के कट ऑफ पर। ऑफिसर स्केल 1 का जो कट ऑफ आना है अभी आजकल में आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा उसका इसी हफ्ते में, रिजल्ट आ जाएगा उसका, उस रिजल्ट से बहुत कुछ सामने निकल के आएगा। जो भी कट ऑफ आ रहा है ऑफिसर स्केल 1 का, ठीक है, आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का, उस कट ऑफ से 5 नंबर और जोड़ लीजिएगा, एक मार्जिन खींचेगा ऑफिसर स्केल 1 वाला, क्योंकि ऑफिसर स्केल का पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था, ये पेपर जो है इजी लेवल का है, तो जो मॉडरेट लेवल की कट ऑफ बनेगी और जो कैंडिडेट है, क्योंकि उसमें क्या है उसमें वैकेंसीज भी कम है, तो उसके हिसाब से वैकेंसीज कम है लेकिन उसमें वैकेंसीज ज़्यादा है, लेकिन इसका पेपर बहुत ईजी आने की वजह से जो ऑफिसर लेवल का कट ऑफ आएगा मान के चलिए कुछ उसी के आसपास कट ऑफ आएगी, ये एक पैमाना है ऑफिसर स्केल का कट ऑफ देखने के बाद, अगर जो रिजल्ट आता है उससे आप ऑफिसर असिस्टेंट की कट ऑफ तय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को अभी वाइंड अप करता हूँ, और कुछ इंक्वायरी और कुछ पूछना चाहते हैं डू कमेंट अस, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।